संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक कप सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। हमने बारीक वाली सूजी ली है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मोटी वाली सूजी से भी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। सूजी को हम एक बर्तन में डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कप सूजी ली है। यदि आप ज्यादा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप दो कप भी सूजी ले सकते हैं। हमने नमक को अच्छे से मिला दिया है और इसमें हम थोड़ी सी बिल्कुल हींग डालेंगे। सूजी में हींग का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखो, हमने हींग को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। सूजी का हम एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, सूजी को मिक्स कर दिया है। अभी हमें इसका थोड़ा पतला घोल बना करके तैयार कर लेना है और सूजी को 10 मिनट फूलने के लिए रख देना है। सूजी हमारी फूलती है तो जो हमारा घोल है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए अभी आपको पतला ही बना के रखना है। देखो, 6-7 मिनट हमने सूजी को फूलने के लिए रख दिया था। सूजी हमारी फूल चुकी है और घोल भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। हमें इसी तरीके से घोल बनाना था। इसमें हमें सोडा या इनो कुछ भी नहीं डालना है। देखो, हमारा घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके लिए हम कुछ सब्जियां लेंगे। हमने एक शिमला मिर्च को गोल कट कर लिया है, एक प्याज को भी गोल कट कर लिया है, एक टमाटर को और दो हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ी सी हमने हरी पत्ती ली है। कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है और पूरी कढ़ाई में अच्छे से तेल लगा लिया है और गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। और जो हमने सूजी का घोल बनाया था, पूरी कढ़ाई में हम थोड़ा सा इस तरीके से फैला के घोल को डाल देंगे। सूजी के घोल को हमने चम्मच से अच्छे से फैला दिया है। बहुत ज्यादा आपको सूजी को मोटा नहीं रखना है, अच्छे से फैला देना है। इसके बाद जो हमने सब्जियां कट की थी, सब्जियों को भी हम रख देंगे। देखो, हमने कुछ सब्जियां रख दी हैं और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च को भी डाल दिया है और हरी पत्ती को भी डाल दिया है। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी सूजी और डाल देंगे। ऊपर से हमने इतनी सूजी डाली है कि जो हमारी सब्जी है, सब्जी हमारी थोड़ी थोड़ी ढक जाए। देखो, हमने सूजी को ढक दिया है और गैस को बिल्कुल धीमा करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। देखो, हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और धीमी गैस पर हम ढककर इसको पकने देंगे। धीमी गैस पर 2-3 मिनट हमने नाश्ता को पका लिया है। एक बार हम इसको चेक करेंगे। देखो, नीचे से हमारा नाश्ता थोड़ा थोड़ा सिक चुका है। एक हमने चम्मच ली है, चम्मच में थोड़ा सा तेल ले लिया है। इस तरीके से हम चारों साइड तेल को अच्छे से डाल देंगे। और एक हमने थाली ली है, थाली को इस तरीके से रखे कढ़ाई में से हम नाश्ता को पलट लेंगे। नाश्ता को हमने पलट लिया है, अब दूसरे साइड भी हम उसी तरीके से रख देंगे और सेकने देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसके बगल बगल में भी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और गैस को बिल्कुल धीमा करेंगे। ढककर 4-5 मिनट हम और पकाएंगे। दूसरी साइड भी हमने नाश्ता को थोड़ा सेक लिया है। अब हम इसको भी उसी तरीके से पलट देंगे। हमने दूसरी साइड भी नाश्ता को पलट लिया है। इसी तरीके से हम पलट पलट के नाश्ता को अच्छे से सेक लेंगे। हमने दोनों साइड नाश्ता को अच्छे से पलट पलट सेक लिया है। हमने इस नाश्ता को 10-12 मिनट धीमी गैस पर ढककर सेका है। हमारा नाश्ता अच्छे से सिक चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखो, हमारा कितना अच्छा नाश्ता बन चुका है। अच्छे से नाश्ता सिक भी चुका है। इसको हम चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे।
देखो हमने जितनी सब्जियां लगाई थी उसी तरीके से हमने कट कर लिया है। दोनों साइड से नाश्ता हमारा सीख भी चुका है। इसको आप टोमेटो केचप या सेजवान चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप बच्चों के टिफिन के लिए भी इसी तरीके से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस नाश्ता को आपको गरम गरम ही खाना है। जब ये नाश्ता ठंडा हो जाता है तो खाने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको गरम गरम ही खाना है। देखो हमने चार भाग में नाश्ता को कट कर लिया है, आपको खाने में भी बहुत अच्छी सहूलियत होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।